नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के ट्रेड में हमारा कितना प्रॉफिट बना, कैसे बना, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हो। बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल एंड जेन्यून इन्फॉर्मेशन आपके साथ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ टाइम एंड डेट अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि स्क्रीन भी देख पा रहे हो, 317 हो चुके हैं और आज का डेट नीचे देख सकते हो 8th of April 2021 हो चुका है। तो आपको पता होगा कि कल मार्केट का क्लोजिंग प्राइस 33 के अराउंड था, मतलब 33,900 एंड समथिंग कुछ था। और मार्केट आज गैप अप ओपन कहाँ पे हुआ, 33,150 के आसपास मार्केट गैप अप हुआ। तो यहाँ पे 150 पॉइंट का गैप ओपन होते ही क्रिएट हो चुका था। तो आपको पता होगा कि मार्केट में गैप हमेशा फील किए जाते हैं, आज नहीं तो कल वो फील ही हो जाता है। और मैं बहुत बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्केट जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन ये क्यों हॉल्ट कर रहा था दोस्तों, कि इसी टाइम पे निफ्टी हॉल्ट कर रहा था, इसलिए हॉल्ट किया। और उसने मतलब बैंक निफ्टी ने यहाँ से लगभग 150 पॉइंट का और मोमेंटम किया। लेकिन अगर एक चीज़ मैं आपको एडवांस लेवल की बता देता हूँ, आपके आगे जाके काम आने वाली है, यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल में रिजेक्शन आया, तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे सेलर इस रेंज के आसपास कहीं तो एक्टिविटी है। और आपको पता चलेगा कि थर्ड कैंडल ग्रीन बना दिया, लेकिन जो उसके बाद दो कैंडल बने वो पूरी तरह से इन्वर्स हैमर टाइप का पैटर्न बनाता हो रहा है। इन्वर्स हैमर जब क्रिएट होता है तो वहाँ पे प्राइस रिवर्सल होने के चांसेस मोर देन 80% होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो प्राइस जैसे रिजेक्शन आ गया तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉल शॉर्ट किया था, 33,200 का कॉल शॉर्ट किया था मैंने यहाँ पे, इसी रेंज के आसपास मैंने 33,200 का कॉल शॉर्ट किया था। और उसका प्रॉफिट मैंने कब बुक किया यह भी मैं बता देता हूँ। तो वहाँ से मार्केट में देख सकते हो गिरावट आना शुरू हो गया और बैंक निफ्टी ने अपना आज का जो ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने लगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो फिर से एक बार रिजेक्शन आ गया और मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 10:20 से लेके 11:30 तक, मतलब एक घंटे के आसपास मार्केट पूरा साइडवेज प्लस वोलेटाइल जोन में जा चुका था, तो उस एक घंटे के बाद मार्केट में यहाँ से ऊपर साइड मोमेंटम भी हो सकती थी और नीचे के साइड भी मोमेंटम हो सकती थी। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लो लगा दिया, देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करके एक फ्रेश लो लगा दिया था, और ये जो लो था वो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के आसपास था। तो यहाँ से थोड़ा सा बायर ट्राई करते हैं, लेकिन बायर हमेशा एक ही बार ट्राई करते हैं, सेकेंड टाइम वो ट्राई नहीं करते। तो देख सकते हो जैसे ही बायर ने यहाँ पे ट्राई किया तो फिर से सेलर आ गए और एक बड़ा रेड कैंडल बना दिया था। तो मैं सोच रहा था कि इसी जोन के आसपास प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहिए, क्योंकि ये एक बायर का जोन था। कल बायर ने यहाँ पे बहुत अच्छा ट्राई किया था और यहाँ से हो सकता है कि एक अपवर्ड साइड मोमेंटम हो जाए। तो मेरा जो एनालिसिस था उसी के हिसाब से मार्केट थोड़ा साइडवेज चला गया और ऊपर चला गया। लेकिन आप सोचोगे कि आप बोलोगे यहाँ से मार्केट कंटिन्यू क्यों नहीं गया। दोस्तों एक बात ध्यान में समझ लो, प्राइस एक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, उस हिसाब से जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो अपने ट्रेड ऑर्डर प्लेस करते हैं। कुछ एडवांस लेवल के पॉइंट मैं भी आप बता देता हूँ कि अगर ये सारा चीज़ें पहले मैं हटा देता हूँ कि मार्केट यहाँ से क्यों ऊपर नहीं गया, तो एक एडवांस लेवल का पॉइंट आपके लिए बता देता हूँ। अगर ये प्राइस इतना ही अच्छा होता, मतलब मार्केट जब फर्स्ट टाइम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जब ये सेकेंड टाइम जा रहा था, तो ये प्राइस ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोजिंग देके मार्केट कंटिन्यू करना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या था कि बायर और इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ से ऊपर लेके जाने के लिए, इसलिए प्राइस का मोमेंटम नहीं हुआ। अगर फर्स्ट हाफ में यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया तो सेकेंड हाफ में चांसेस बहुत कम हो जाते कि मार्केट ऊपर यहाँ से चला जाए। आप बोलोगे कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप भी पैटर्न दिख रहा है, फिर भी मार्केट क्यों नहीं गया। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट में अगर ये प्राइस इतना ही अच्छा होता तो सेलर मतलब बायर यहाँ से उसको नीचे नहीं लगते, यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हो जाता। अभी देख रहा है मार्केट क्लोज होने में 8 या 9 मिनट ही बचे हैं और मार्केट कहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास, जो प्रीवियस सपोर्ट होता है उसी के आसपास मार्केट अभी हॉल्ट कर रहा है। तो बैंक निफ्टी हो गया, तो निफ्टी के बारे में मैं बता देता हूँ। बैंक निफ्टी, ये जो मैं बता रहा था कि एक घंटे के आसपास कंसल्टेशन चल रहा था, वो क्यों चल रहा था ये बता देता हूँ कि निफ्टी जो था वो अपने लेवल होल्ड कर रहा था, निफ्टी डाउनसाइड नहीं मोमेंटम कर रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी भी मोमेंटम नहीं कर रहा था। ये देख सकते हो निफ्टी के केस में क्या हुआ था, निफ्टी जैसे ओपन हुआ तब से उसने एक बुलिश कैंडल बना दी और साइडवेज प्लस अप ट्रेंड का उसने मोमेंटम करना शुरू किया था, इसीलिए बैंक निफ्टी उस टाइम नीचे नहीं आ रही थी। दोस्तों अभी भी देखा जाए तो निफ्टी ने अपना जो आज का लो था उसी के आसपास एक क्लोज होने की कोशिश करी है। तो आज एक्सपायरी है आपको पता होगा, तो आज एक डोजी टाइप का कैंडल निफ्टी यहाँ पे बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है दोस्तों। तो चलिए हमारे प्रॉफिट के ऊपर चलते हैं कि आज हमारा कितना प्रॉफिट बना। तो दोस्तों
यहाँ पे देख सकते हो मैंने 33,200 का कॉल शॉर्ट किया था, जैसे मैंने आपको बता दिया था, उसमें लगभग हमें 21,170 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और कुल मिला के नीचे देख सकते हो 27,927 मतलब 28,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले मैं एक स्क्रीन रिफ्रेश करके देता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कुछ एडिटिंग वगैरह है, तो एडिटिंग होने के बाद स्क्रीन रिफ्रेश करने के बाद ओरिजिनल जो नंबर है वो आते हैं, इसलिए मैं बार बार स्क्रीन रिफ्रेश करने की बात करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं फिर से एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके लिए है क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मार्केट में पैसा बनता है, और पैसा कब बनता है दोस्तों, कि आपका एनालिसिस प्लस आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हर रोज ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, और आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो और कुछ जेन्यून इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। सैटरडे संडे वीडियो आ जाएंगे, उसमें कुछ एडवांस पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, वो सारे वीडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हो। वीडियो और मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पे हम आपको पूरी तरह सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।